उसके अलावा इनामदार से बात कर रहा हूं। अब रहने भी लो, बहू ठीक ही कह रही होगी, टीवी देख देख कर आंखें खराब होती ही होगी और ये पैर और घुटने बैठे बैठे दुखते ही होंगे जी। उसके नाना की टांग, उसके नाना की टांग। जो हसो मत, दस दुकानें देखी दवाइयां नहीं मिली। वाह, मैंने दो दुकानों पर दवाइयां देखी थी, दोनों दुकानों पर दवाइयां थी। अरे झूठ बोलने की हद होगी। अब वो नई दवाइयां क्यों चाहिए थी? आप चिढ़िए मत, चिढ़ने पर मुझे भूख लगने लगती है। तुमने अपना बड़ा खाया? कब का खा लो? मेरा बड़ा कहाँ गया? आपने पीसा को जो दे दिया। हाँ मैं भूल गया, मैं चिढ़ाना तो मुझे भूख लगने लगी कुछ खाने के लिए है। ग्लूकोज के बिस्कुट दो। बिस्किट दो। अब इतना सा मांगा तो इतना ही नहीं देना चाहिए। मैंने क्या कहा? बिस्किट दो। मुझे कहाँ पसंद है, मैं तो अपने पास सकती हूँ कि अचानक चक्कर आने पर मुंह में डालने के लिए कुछ होना चाहिए, किसी को बेकार में भाग दौड़ ना करनी पड़े। कल जब आप बाजार जाए ना तो यहां से पुड़िया ले आए। शरद ने रहने के लिए नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। कौन? इसका भी मुंह नहीं खुला। कौन? कि वहां क्यों जाते, यही रहो, यही आपका घंटा काटा। वो घंटा काटा और वो मिनट काटा। अंततः सारे कांटे एक ही दिशा में घूमते नजर आते। उसमें से कुछ घंटा कांटा ठीक है। ठीक काटे का पक्का है, कभी उससे हाथ में दो पैसे नहीं रखता। तो छोटा कौन सा रख लेता? कम से कम घर आने पर 10 का नोट तो टिका देता है मेरा शरद। इसीलिए महीने में एक बार आता। एक बार मेरे 5-10 लाख रुपए निकल भर जाए, फिर भालू की तरह नचाऊंगा इनको। मरने से पहले इच्छा है मेरी। अरे वो गाड़ी ठीक कराने के लिए कहता हूं तो वो भी ठीक करा के नहीं देता। अब इस टूटी खड़ी में क्या रखा है जी? दिमाग कम है तुम्हें? आपसे शादी की तभी ये सिद्ध हो गया था। हंसो मत, बिस्कुट खा लो, चिढ़ गए ना। ये ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, आठ लोग से घर की गाड़ी है, अप्पा की गाड़ी। अप्पा यानी कौन? कौन कौन? अपने मायके भर का पूरा किट्टास पढ़ के सुना देगी। अप्पा यानी दाजी। पता है मुझे, दाजी के पिताजी। हाँ, उनका नाम मुझे मिला बिट्ठल विश्वनाथ। वे भी घड़ी साज थे क्या? हसो मत, आदमी मरता है लेकिन उनकी यादें ऐसी ही चीजों में समाहित रहती। अरे वो घड़ी ठीक कराने के लिए कहता हूँ, औजार लाने के लिए कहता हूँ तो वो भी डॉक्टर नहीं देता। मैं ठीक करूंगा। वो दाजी की जेब घड़ी पिशा को दी थी, वो कहाँ गई? सोने की चैन थी उसमें। हाँ, इसीलिए उसने ले ली। सोने की चैन थी, पता नहीं है कि बेच खाई। अब उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे वो औजार लाने के लिए कहूंगा, मैं ठीक करूंगा घड़ी।
अरे बहुत हो गया रिपेयरिंग, आप यहाँ बैठो मेरे पास बैठो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं घड़िया रिपेयर नहीं कर पाऊं? मेरे हाथ कांपते। अरे गवर्नर के बंगले की सारी घड़ियां मैंने रिपेयर की हैं। ऐसी कोई घड़ी खराब होती गवर्नर कहता कौन मिस्टर नामदार, क्या तो नाम था उसका? रॉजर लैम्बले। राइट, तुम्हें कैसे बात? अरे सारी जिंदगी यही तो सुनती आ रही। हाँ रॉजर लैम्बले, पता नहीं है या मर गया। गार्डन में देखता हूँ, मुझसे कहता मिस्टर नामदार हेलो हाउ आर यू, मैं कहता हूँ ओके ये भी तुमने सारी जिंदगी सुना होगा, फिर भी फिर से सुनाऊंगा। वो कहता ओके ओके नहीं खाना है। खाने पीने की बात आपको ईशा को नहीं करनी चाहिए, वो लीला को बता दे। बताए? अरे ऐसे मन में दरारें पड़ जाती हैं। पढ़ने दो। कैसे पढ़ने दे, हमें आज उनकी जरूरत है। लीला, जब माँ पिताजी बैठे थे तब तुम्हें टीवी नहीं बंद करना चाहिए थी। अरे आपको क्या मालूम, लगातार टीवी देखने से आंखें खराब होती। और सुनो, उन्हें एक आध उल्टा और पुरुष देना। क्यों, कुछ कह रही थी क्या? नहीं, पर वे कमजोर दिख रही थी। अब वो तो शुगर के कारण। अब पिताजी बड़े लाएंगे, भजिया लाएंगे और बिस्कुट खिलाएंगे, किसी के भी जीत पर कंट्रोल नहीं। अरे बूढ़े हैं वो, उन्हें क्या छोड़ सकते हैं? तो ये बात अब अपने छोटे भाई को क्यों नहीं कहते? मीना क्या खिलाएगी देखेंगे ना, फरसान खिलाएगी और फरसान के साथ मुफ्त मिली चटनी, वो भी भोजन के समय। फिर भी लीला पे अपने हैं, उनकी देखभाल करनी होगी, समझी तुम? घड़ी में चाबी भरने जितना सरल काम नहीं है ये, और हमारी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं है? इन लोगों के कारण चार दिन पंच के भी नहीं जा सकते। लीला गुस्सा क्यों जाती तुम, सुनो तो सही। लीला दोनों की कुछ खिचखिच चल रही है, सुना आपने? अरे वो सरदनी की किताब नहीं मिल रही, पता नहीं है कि बेच खाए। अब उसकी वजह से क्या काम रुक गया, बेकार में ही बिजली चलाते रहते हैं। रहने दीजिए, कल ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। अभी ढूंढूंगा। दुकान मुफ्त में दी है, ऐसे ही बिजली नहीं जलाते। जलाइए, ऐसे सिर्फ बुराई हाथ लगेगी हमारे। लगने दो। ये दादी का अंतिम पत्र है ना? हाँ। क्यों, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनके अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाऊंगा, जबकि सारे कर्जे मैंने चुकाए और हवन सामग्री सब मैंने आया, शांति पाठ मैंने करा। कहीं उनकी श्राप तो नहीं सता रहे हमको? श्राप? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि उन्हें बुरा लगे? अरे नहीं जी, आप अपने शाम के समय आंखें मत गीली कीजिए, और इस बात को तो 50 वर्ष बीत चुके हैं, और अगर ये नोट कहीं चलता हो ना तो किसी संस्था को दे डालिए। उस समय अगर जमीन छुड़ाने के लिए दादी को हमने 2000 रुपए दिए होते तो। हाँ गलती थी मेरी, लेकिन सारे कर्जे फिर मैंने ही तो चुकाए ना, मुझे उनसे इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। सिर्फ इतनी ही बात पर उन्होंने आपका नाम लेना छोड़ दिया और आपने उनका। जवानी में कोई ज्यादा नहीं सोचता, उनसे ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए था। अजीब, रहने दीजिए, ये लेटर अंदर रखिए तो बहुत हो गया, इस संदूक को अंदर कीजिए। चलिए।
देख कर खाइएगा। अरे खाना खाते चली, आज ना बहू ने मछली बनाई है, कैसी गंद गमक रही है मुझे और। अरे बहू ना मछली रखना ही भूल गई। आप अपनी थाली से छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, क्या बना है? पॉपलेट? मेरी थाली में नहीं है पॉपलेट। और साथ देखो, आग लगे ऐसे खाने, रात की फ्रिज में रखी हुई सब्जी, अरे कम से कम गर्म तो कर देते। आप चिल्लाइए मत, बहू भी कितना करेगी हमारे लिए, मैं गर्म कर लाती, मैं किस लिए हूं। और सुनो, दो पॉपलेट लेकर आना, दुकान मुफ्त में दी है, खाना यूं ही नहीं खाते। दाजी का ही स्वभाव है आपका, लाती पॉपलेट भी लाती। पॉपलेट ले आना।